क्या चीज चाहिए आपको? चॉकलेट 10 रुपए वाली, कंपट 1 रुपए के चेक। सकल देखो, चेक वाली सकल है तुम्हारी। तो चेक करो, पूरी पीछे वाली जेब भरी हुई है, तो सीधे पीछे वाली जेब में यहाँ डालना। लड़कियाँ इतनी महंगी महंगी चॉकलेट कैसे खा लेती हैं? भाई 200 रुपए में मैं ट्रिप कर रहा हूँ, मैंने 1000 रुपए में उत्तराखंड घूमा है। छोटे पे हम लोग पहना करते थे, और ये फ्री में थोड़ी मिली है, चॉकलेट का डिब्बा मिला है। बहुत ही ज्यादा प्यारा है ये, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सो हेलो जी, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज 31st of August एंड आज है रक्षाबंधन। और अभी देख रहे हो भाई साहब, हम भी तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह, और ये भी तैयार हो चुका है। देखो कितना ज़्यादा उत्पात मचा हुआ है। फिलहाल अभी कुछ ही देर में रक्षाबंधन मनाई जाएगी, राखी पहने कह रहे हैं भाई यार ये ना क्या करो यार। लो यहाँ पे हम थोड़ा सा बिजी होते हुए जाना है मिठाई लाने के लिए। वैसे तो कल मैं मिठाई ले आया था बहुत सारी, बट हमारे यहाँ मिठाई कम पड़ी जाती है। और जामनगर कैसा है, टही ले लाए सब? ठीक है, बस अब होने जा रहा रुचना यहाँ पर भी। अच्छा ठीक, रुचना दिखाओ मैं, अभी होगा तब बुला ले सबको। आपके करेंगे फोन पे ऐसे। तो अपने आसन पे के बैठ गए, यहीं पे होगा रुचना। फिलहाल मामा का वीडियो कॉल आ गई है, मामा से बात कर रही है। मामा तो अभी जामनगर में है ना, मामा सागर दादा छोटी भाभी। तो यहाँ तो वीडियो कॉल पे बात हो रही है, एंड अपने विक्की दादा आ चुके हैं रुचना करवाने के लिए। तो सबसे पहले विक्की दादा की होगा रुचना। यहाँ पे मिठाई का लेन देन होता हुआ, और ये बहुत ही मोटी सी पर्स निकलती हुई। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको विक्की दादा रास्ते में मिले तो आप लूट सकते हैं, क्योंकि इनके में से सिर्फ और सिर्फ 500 की नोटें ही निकलती हैं। तो चेक करो, पूरी पीछे वाली जेब भरी हुई है, तो सीधे पीछे वाली जेब में यहाँ डालना जब भी मिले कभी। रुपया देखो सब, ये 500 ही पड़े हुए हैं, और इनके एक सीक्रेट जगह भी है, वो मैं किसी दिन आपको और बताऊंगा। एक राखी गाड़ी के लिए निकाल देना हमारी। गाड़ी मेरी तो कोई किताब ही नहीं है। पहले भाई रक्षाबंधन में जब स्कूल जाया करता था, तो वो जो नहीं रेशम वाली धागे वाली राखियां होती है, तो मम्मी किताब पे ऐसे रख दिया करती थी, कॉपी पे, बुक पे। ये डालो, इतनी तेज हंस रही है कि वो दिया ही बुझा जा रहा है, इतनी तेज हंस रही, नाकों से सांस निकाल रही है इतनी तेज तेज। इनको दे क्या, क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए बताओ? नहीं अभी कुछ नहीं, जब अरे क्या चाहिए रक्षाबंधन में, सबसे बताओ, बता दो, अभी मौका है। स्मार्ट वॉच। अरे जाओ स्मार्ट वॉच, देखो मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगा अभी, क्योंकि अभी तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, बड़ी हो जाओ तब दिला दूंगा स्मार्ट। और मेरी स्मार्ट वॉच है, जब कहीं ऐसे बाहर जाना हो तो पहन लिया करो। स्मार्ट वॉच के अलावा बताओ, कैसी रही चुड़ैल जैसी ऐसे फोन में आ रही है? ये देखो, ये बॉयज, ये आईफोन की ताकत है। जब आईफोन में आप खड़े हों और आपके ऊपर सूरज की रोशनी पड़े, तो आप बिल्कुल ऐसे ही चमकते हैं। हाँ बताइए, कौन सी, क्या चीज़ चाहिए आपको? चॉकलेट 10 रुपए वाली, कंपट 1 रुपए के चेक। सकल देखो, सिल्क वाली सकल है तुम्हारी, 100 रुपए की चॉकलेट। 100 रुपए की चॉकलेट तुम्हें जिंदगी में ना दें। चलो अब बात है, थैंक यू फॉर दिस वन, दिस मिठाई इज माई फेवरेट मिठाई, आई लव दिस मिठाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मिठाई, ओके नाउ थैंक यू, गो यू गो, नो बताओ क्या चाहिए, सोच लो अच्छे से, क्योंकि हमने कुछ लिया नहीं, जो बताओ वही। नहीं मतलब कैसे आइटम, जो जो कुछ सोचना, जो तुम्हारा भाई बहुत कमा रहा है अभी। बॉय स्मार्ट वॉच मत बताना, क्योंकि वो अभी हम नहीं देंगे तुम्हें किसी कारण की वजह से, उसके अलावा बता दो। इतना टाइम ना ही हंस रही हो, कब कपड़े चाहिए? नहीं नहीं, ए भगवान, इसके पास इतने कपड़े हैं लिटरली, लेकिन ये कपड़े पे, इसे कपड़े ही चाहिए, कपड़ों के अलावा कुछ कपड़े चाहिए, जो बताना हो बताओ भैया, तुम्हारा मन है। सिल्क हो रही हो, बस 100 रुपए चॉकलेट में निपट जाइयो। बताओ ना हमको, और ज्यादा महंगा होता कि तुम्हें। नहीं नहीं, तो हम क्या बताएं, चाहिए तुम्हें, हम क्या बताएं इसमें भाई, हम समझ नहीं आ रहा ना। तो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर रहने दो वैसे रहो, ठीक है, ये अभी रुपया दिए दे रहे ले, नहीं 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 क्या सेल कोरी हो, बस खुश हो सेल कोरी हो, मैं नहीं नहीं क्या, अभी खुद ही तो बोला सेल कोरी हो, ठीक है। यहाँ लोगों की बहनों की डिमांड नहीं खत्म होती है, यहाँ पे इन्हें बस 100 रुपए की सिल्क ओरियो चाहिए। मैं तो सोच रहा था आराम से, मैंने 3-4 हज़ार रुपए का बजट बना रखा था, पैसे की कोई कमी नहीं है बॉयज, लेकिन क्या पता नहीं चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, अब बात डन हो गई है, सिल्क ओरियो मात्र 100 रुपए की, अभी गुन्नू को ला के दे दी जाएगी।
कुछ तो रहेंगे ही, तुम ना बोलो तब भी कुछ रहेंगे। सो यहाँ पे हमारी तो डील बहुत ही सस्ते में फिक्स हो गई, मेरे रोशना हो गया। अब बारी है हमारे व्यम छुटकू की, इसकी ये पहली राखी है भाई साहब, ये इसकी पहली राखी है। फिलहाल नींद में है ये भैया, उठ जाओ राखी बनवा लो, नींद में है भैया। कौन सी राखी आई है व्यम के लिए? छोटे पे हम लोग पहना करते थे भाई। ये राखी कितने की मिली अब? 25 रुपए की ना, 25-30 रुपए की। ये राखी जब मैं छोटा था 5 रुपए की पड़ा करती थी, मैं भी यही पहना करता था। फाइनली हमारा हो चुका है, बासु दादा आ चुके हैं। बासु दादा का नंबर है, बासु दादा दो शब्द जय श्री राम, ये तीन हो जाते हैं, जय श्री राम सियाराम, दो शब्द सीताराम। बासुआदा का रोशना हो गया, मेरे रोशना हो गया। अब बारी है हमारे वैम भैया की, जो अपने सर पे रुमाल नहीं रखवा रहे हैं, रुमाल को हटा के फेंकना चाहते हैं। मजा आ गई। मैं तो आरती उतारू रे, अरे यार क्या कर रहा है यार। व्योमेश भैया आरती कुंज बिहारी, अरे खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया राखी बांधो राखी। चलो भैया हो गई राखी, पहली राखी हो गई। बहुत से ताने भैया, बट फाइनली चलो अब राखी इसके बन गई। अब जाता हूँ थोड़ा मार्केट से सामान ला के घर पे रखना है, मिठाई उठाई फिर जाते हैं और बाकी अपनी बहनों से राखी आखी बंधवाते हैं। त्यौहार व्यवहार के टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, कल मैंने लिटरली पूरे दिन मार्केटिंग करी है, बस मैं मार्केट से सामान लेके आया हूँ। लेकिन अभी भी आज रक्षाबंधन वाले दिन भी लोगों को बताने को रह जाता है, ये रह गया वो रह गया लेके आओ। और मेरे को अभी एक छवि क्या भी जाना है, वो अभी निकलने वाली है शाहजहाँपुर के लिए, तो उसे भी जल्दी है, सबको तो जल्दी है भैया। और हमें यहाँ घर पे मिठाई भी ला के रखनी है, निकालते हैं बाइक जल्दी से लेके आते हैं। सबसे पहले मैं आ गया हूँ सेब लेने के लिए यहाँ, और अब सेब लेने के बाद आया हूँ मिठाई लेने के लिए। तो भाई फाइनली सारा सामान लेकर घर पहुँच गया, रास्ते में मामी के भैया मिल गए तो उन्होंने भी लिया है, बाकी अमेजोन वाला आया लग रहा है, पार्सल भी आया। पार्सल है क्या भैया कोई हमारा? पार्सल होगा दे दिया। अच्छा क्या था, कितने दो थे, कितने थे? लंबे लंबे थे। हाँ भाई हाँ, हमारा सेटअप आ रहा है, एक्चुअली हम अपने सेटअप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके घर में सबको सामान दे दिया और हमारी दो चीज़ें आई हैं, उसमें से एक ये है और अभी बहुत कुछ आने को है। इसमें मैंने क्या मंगाया है अभी बताता हूँ, मेरे को खुद भी नहीं पता इसमें क्या है। फिलहाल चल के सबसे पहले छवि दीदी के यहाँ राखी बंधवा देते हैं, वो निकलने वाली है शाहजहाँपुर लड़की अपनी नानी के यहाँ। भैया हम जा रहे हैं छवि के यहाँ, और ये लड़का जो है जैसे ही गाड़ी निकालो तुरंत रोने लगता है, इतना बड़ा शौकीन हो गया है गाड़ी का कि हम क्या ही बताएं। चलना है क्या ए लड़के, ए चलना है क्या तुझे, चलना है तुझे? देखो देखो कूदा आ रहा कतई। एक वो मैं बैग मंगवा लूंगा जिसमें नहीं बच्चों को बांध लिया जाता है, फिर इसे बांध के पूरी हरदोई में घुमाया करूंगा। हाँ तो घर से जल्दी से निकल के आ जाते हैं हम शॉप पे, जहाँ पे लेते हैं हम छवि दीदी के लिए चॉकलेट्स, और फिर आ जाते हैं उसके घर पे और बंधवाते हैं उनसे राखी। पर जो राखी बंधवाते टाइम हमने वीडियो शूट किया था वो ना जाने यार कहाँ ही गायब हो गया। ये बिटिया हमारी क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं इसे, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी करती हुई।
कभी कभी मौका मिलता है गाइस तो, और ये फ्री में थोड़ी नहीं मिली है, चॉकलेट का डिब्बा मिला ही नहीं, कभी मिली है ये, वरना थोड़ी नहीं मिलती है। बट फिलहाल कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं यार अपने, यहाँ पे राखी बंधवा ली, अब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक इंसान से मिलाते हैं, इंसान नहीं है सॉरी एक डॉग से मिलाते हैं जिसका नाम है अनिल लोबिटिया, जरा इसे मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा है ये, छोटा सा है अभी, ये 3-4 महीने का है, बहुत प्यारा है। देखो क्या बात है, क्या बात है, बताओ सब बढ़िया। चलो भैया चलते हैं यहाँ से, कुत्तों से जब मैं मिल लेता हूँ ना फिर मेरे को एनी की याद आने लगती है बहुत ही ज़्यादा, और एनी के बाद तभी मैंने कोई पाला नहीं, बिकॉज क्या मैं बताऊँ यार, रोना आ जाता है बस। सो भैया फाइनली हम ना घर आ चुके हैं, सबसे राखी बंधवा के, अभी सबसे तो नहीं, अभी हमारी बुआएं बची हुई हैं, एंड हमारी बुआ की लड़की लड़की हैं जो कि शाहजहांपुर में रहती हैं, जो कि इस बार नहीं आ पाई हैं किन्हीं कारणों की वजह से। हाँ उनकी राखी हमारे पास है तो वो हम अभी गुनगुन से ही बंधवा लेंगे। बाकी चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अब भाई मेरे को पता नहीं इसके अंदर है क्या, बिकॉज मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये सब चीज़ें मैं मंगा रहा हूँ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, जो कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं रिवील कर दूंगा। तो होपफुली हम लोगों के सितंबर तक 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और मैं तुम लोग से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय सपोर्ट दिखा दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवा दो तो जल्दी 50,000 हो जाएंगे, और 50,000 पे फिर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज मिलेगा यार। बट पहले इसे अनबॉक्स करते हैं बहुत ही सेफ्टी से, बिकॉज ये कटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये हल्का सा भी लगा तो कतई कांडी हो जाना है भाई। जो चीज मैंने मंगाई है वो लिटरली इतनी बड़ी नहीं है, पर देखो कितना कबाड़ा भर भर के भेजते हैं ये, इतना बड़ा डिब्बा बनाने की क्या जरूरत थी। अब इसमें देखो सिर्फ छोटा सा डिब्बा निकला है और ये एक वेस्ट बैग निकला है। अब जब सोच रहे हो कि ये वाला वेस्ट बैग क्यों मंगाया है, ये एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड का है, कॉस्टोव है, उसने मंगाया था। जैसा मेरे पास है ना सेम एग्जैक्टली वही है, बिकॉज इसकी क्वालिटी ना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने अपना वाला वेस्ट बैग 2-3 साल पहले मंगाया था, जो कि तब 500 का पड़ा था, और भाई साहब वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया, लोग मेरे से पूछ के बराबर वो ऑर्डर करते रहते, क्योंकि कलर भी बहुत अच्छा है और भाई सच में क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, निसन कंपनी का है। इसको रख देते हैं इधर साइड में। बाकी हमने जो मेन चीज मंगाई थी वो थी ये डिजिटेक का DTR 480 लाइट वेट ट्राईपॉड। ये ऐसा ट्राईपॉड है, इसमें कैमरा भी लग जाएगा, फोन भी लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। बेसिकली ये ना काफी बड़ा मजबूत वाला ट्राईपॉड है, और इसको मंगाने के बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज हमारे पास अम्ब्रेला स्टैंड है, छोटे वाले ट्राईपॉड भी हैं, बट उनमें ना थोड़ी सी दिक्कत होती है बाहर शूट करने की। जैसे कि जो अम्ब्रेला स्टैंड है वो है 7 फुट का, वो बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ा है। ये जो है थोड़ा सा लाइट वेट होने वाला है, तो मतलब इसको ना बेसिकली हम ट्रैवल करते टाइम यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये मंगाया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने सेटअप बनाना होगा, अपने यूट्यूब चैनल के लिए सामान लेना होगा, तो वो ना काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मंगाए, कहाँ से मंगाए, बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं है। तो मैं तुम लोग को एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं अपने सेटअप में जो भी चीजें यूज कर रहा हूँ ना वो सारी की सारी टॉप नॉच है। मैं अगर कोई भी एक छोटी सी छोटी चीज मंगाता हूँ ना, तो उसके लिए ना मैं महीने महीने तक रिसर्च करता हूँ कि कौन सी सही रहेगी। इसीलिए रिसर्च करने के बाद जो चीज मार्केट में सबसे अच्छी होती है वही मैं मंगाता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे सेटअप में से कुछ भी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पूरे सेटअप की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी। मेरे से ना भाई हर कोई पूछता रहता है कि भैया आप कौन सा यूज करते हो, क्या यूज करते हो, इसीलिए मैंने अब सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से जाके जो कुछ लेना हो ले लो, इससे तुम लोग को बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और भैया बिल्कुल डाउट मत करना ऑर्डर करते हो, बिकॉज वो जो सब चीजें हैं ना मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके मंगाई है। बाकी ये ट्राईपॉड भी मैंने रिसर्च करके मंगाया था, और जैसा सोचा था उससे बढ़िया ही निकला। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और साथ में देखने में भी प्रीमियम लग रहा है, ग्रेट सक्सेस। तो ये देखो मैंने ना अभी पूरा ट्राईपॉड खोला है, ऑलमोस्टली मेरी हाइट का ही है, बस मेरे यहाँ तक आ रहा है, तो ये ट्रैवलिंग के टाइम ना बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसको मंगाने का एक और रीजन है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ट्राईपॉड होते हैं तो इसकी जो सबसे नीचे वाली टांग होती है वो ना सबसे ज्यादा पतली होती है, बिल्कुल पतली सी, बट इसमें वो नहीं है, इसमें ना वो काफी ज्यादा मोटी है, इसी वजह से मैंने ये मंगाया यार। क्योंकि आपको पता है अगर ट्राईपॉड में कुछ भी खराब होता है तो सबसे पहले नीचे वाली टांग ही खराब होती है, सबसे पहले वही टूटती है। मेरी कई बार टूटी है, मेरी नहीं टूटी है, मतलब ट्राईपॉड की टूटी है। फाइनली अनबॉक्सिंग कर दी, पेट पूजा कर ली, अब चलो चलते हैं घर, बुआ हुआ से राखी बंधवाते हैं और ये दादाओं के वहाँ राखी बांधेंगे। तो फाइनली भाई गुनगुन को लेके आज आते हैं हम अपने घर पे, जहाँ पे सबसे पहले हम बंधवाते हैं अपनी सबसे बड़ी वाली बुआ से राखी।
तो अपनी दोनों बुआ से राखी बंधवाने के बाद गुनगुन बांधती है दोनों भैयाओं के राखी। और घर पे भैयाओं के राखी बांधने के बाद आ जाते हैं हम अपनी ताई जी के यहाँ, जहाँ पे सबसे पहले गुनगुन बांधती है भैया के राखी। आराम से इनसे मिले। ये हैं घर के छोटे से बच्चे जो कि बहुत ही शैतान हैं। इनके हाथों में राखी देखें कितनी क्यूट क्यूट है। इनका नाम है अद्विक है। ये क्या कर रहा है? फोड़ दो सब। बुला रहे मामा बुला रहे। तो फाइनली भाई घर पे भी रोशना हो गया, वहाँ ताई के यहाँ भी रोशना हो गया। ऑलमोस्टली टाइम 3:30 में जा रहा है और आज मेरे को अपने बर्थडे वाला व्लॉग लाइव करना है जो कि एडिट नहीं हो पाया है और मैंने इंस्टाग्राम पे बोल भी दिया है आज लाइव करना है। तो देखो अभी करेंगे, बट अभी यहाँ पे तो छोटी सी पिज्जा पार्टी होने वाली है तो वही डोमिनोज जा रहे हैं पिज्जा लाने के लिए। मैं वैसे बताना चाहूंगा मैंने सब चीज़ें छोड़ रखी हैं बिकॉज मैं अपनी हेल्थ पे से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अपनी मैंने एक डाइट बना रखी है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज अभी 50K पे कुछ स्पेशल चीज़ है ना आप लोगों के लिए और वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसके लिए मुझे मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिजिकली भी प्रिपेयर होना होगा और साथ में इससे भी इसे पता नहीं ये क्या होता है, ये पीसा से भी थोड़ा सा वो मतलब उसमें लगेगा। ठीक है, हमने ना अपने घर ही से ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी। तो जैसे ही हम डोमिनोज पहुंचते हैं तुरंत हमें अपना बना बनाया पिज्जा मिल जाता है, उसको जल्दी से उठाते हैं और फिर आ जाते हैं हलवाई वाली दुकान पे जहाँ पे लेते हैं हम छेने और उन्हें लेके आ जाते हैं घर और फिर छोटी सी पार्टी करते हैं। तो फाइनली भाई घर में पिज्जा पार्टी हो गई और अभी हम घर जा रहे थे, लेकिन आपको याद होगा मैंने इससे इतना पूछा, इनकी एक फरमाइश थी कि सिर्फ इन्हें क्या चाहिए थी, सिल्क ओरियो पसंद करो, कौन सी चॉकलेट चाहिए, सोच में पड़ गई। क्या ऊपर लगी है सिल्क वाली? सिल्क ओरियो है भैया? सिल्क ओरियो तो नहीं होगी, रोस्टेड होगी। ओरियो चाहिए तुम्हें? ओरियो चाहिए नहीं भैया, किस्मत हो तो ऐसी। यहाँ आए यहाँ सिल्क ओरियो है ही नहीं, वाह क्या मतलब, भगवान भी चाहता है जिसे सिल्क ओरियो ना मिले। भैया इस दुकान पे आई है देखने के सिल्क ओरियो है या नहीं है। हाँ यार कहीं सिल्क ओरियो बड़ी वाली मिल ही नहीं रही है, छोटी वाली है ये है, मिल गई भाई फाइनली इसको, इसकी चॉकलेट मिल गई। और सच बताऊँ मैंने ज़िंदगी में इतनी महंगी चॉकलेट कभी नहीं खरीदी, मैं सच बता रहा हूँ कभी नहीं। और भाई एक बात, तुम लोग ये 200 रुपए की चॉकलेट कैसे खा लेती हैं लड़कियाँ? मेरे को लिटरली नहीं समझ में आता है कि लड़कियाँ इतनी महंगी महंगी चॉकलेट कैसे खा लेती हैं। भाई 200 रुपए में मैं ट्रिप कर रहा हूँ, मैंने 1000 रुपए में उत्तराखंड घूमा है 5 दिन और ये 200 रुपए की चॉकलेट खा रही है, सीरियसली भाई। चलो ठीक है, सुकून मिलता रहे। फाइनली भाई इसे लेके घर आ गया, मैं करूँगा एडिट जाके। और रास्ते भर से जब से मैंने ये चॉकलेट लिए तब से बस मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब क्या मज़ा आता है यार 200 300 400 वाली चॉकलेट खाने में, इससे अच्छा 10 वाली अलग अलग फ्लेवर मिले लोग खाते रहो। मतलब मेरे को इस चीज़ का दुख नहीं है कि उसको चॉकलेट इतनी महंगी दी या पैसे का वो कुछ नहीं है, मेरे को इस बात का दुख है मतलब मज़ा क्या आती है यार 200 रुपए में आदमी क्या क्या कर सकता है, पिज्ज़ा खा सकता है, बर्गर खा सकता है, कोल्ड ड्रिंक खा सकता है, आइसक्रीम खा सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ खा सकता है। खैर ये मेरी सोच है, मेरी सोच शायद इस वजह से बिकॉज बंदी अंदी तो है नहीं बॉय जो मैं सबको गिफ्ट करूँ, तो इसको लिया तभी पहली बार ऐसा लग रहा हो, बाकी पता नहीं यार। बाकी तुम लोग नीचे कमेंट करके बताना क्या मेरी सोच सही है। सो भाई टुडे इज़ नेक्स्ट डे, कल रात में व्लॉग लाइव करने में हालत ख़राब हो गई, मतलब वो रात में लाइव हुआ ही नहीं, रेंडर ही नहीं हो रहा था व्लॉग, तो उसको ना मैंने आज सुबह 12 बजे लाइव किया है, फिलहाल शाम का 6 बज रहा है। मैंने सोचा लाओ व्लॉग की एंडिंग कर दूँ बिकॉज मैं एंडिंग भूल जाता हूँ, इसीलिए आज एंडिंग कर रहा हूँ। फिलहाल मैं वॉक पे आया था थोड़ा सा, ये जो हरदोई का शरण देवी मंदिर है यहाँ पे वॉक पे आया था। और हाँ वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मेरे को ना एक सेकंड हैंड गोप्रो चाहिए, तो अगर आप में से किसी के पास गोप्रो 9 या 10 11 में से कोई भी हो सेकंड हैंड बेचना चाहते हो तो आप मेरे को इस वाली मेल पे या इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे आपसे जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।